नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। इस समय मौजूद है सुल्तानपुरी विधानसभा के हुसैन चौक पर और जानेंगे लोगों की राय कि किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, किसको दिल्ली के दिल वाले पहनाएंगे दिल्ली का ताज। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम इरशाद अली है। इरशाद अली जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी इस बार, भाजपा, कांग्रेस या फिर आम आदमी? आम आदमी का तो आप देख ही रहे हो दिल्ली के अंदर व्यवस्था क्या चल रही है, हर जगह गंदगी, कोई सफाई व्यवस्था नहीं, कोई सफाई अभियान नहीं। हम तो यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बने और अच्छी तरीके से जुझारू रूप से दिल्ली सरकार को चलाए। जिस केजरीवाल जी का है चांस दोबारा आने का? देखो जी, इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता, ये तो जनता के हाथ में है। जनता किसको वोट दे, जनता किसको चुनती है तो बाद में पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी, किसका, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल जी की है वापसी, जो काम अच्छा करेगा वो, जिसको बहुमत अच्छा मिलेगा वही बनेगा। क्या नाम है? मुंशी खान जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो यह जो पब्लिक चाहेगी उसी को चुनती है पब्लिक, ये हमारे समारे किस किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो पब्लिक चुनती है, ये तो कोई हमारे चुनने से कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ और लोगों से भी जानेंगे इसी विषय पर कि क्या है उनकी राय कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। क्या नाम है भौजी आपका? हयाज। भैया जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी इस बार, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? भाई मेरे को तो यही आम पार्टी का ही लग रहा है चांस। भाजपा कांग्रेस का है कुछ चांस? कांग्रेस का भी नहीं, यहाँ तो मुश्किल है, मुश्किल है। आम आदमी पार्टी की है। विधायक जी कौन है यहाँ के? क्या नाम है? संदीप। संदीप कुमार जी का है चांस? हाँ, दोबारा बन सकते हैं? बन सकते हैं, वो उन्हें टिकट ना मिलेगी इससे और किसी को मिलेगी। अच्छा, तो जिसको भी मिलेगी अगर आम आदमी की, हाँ वो जीत का पक्का उम्मीद है। अच्छा, संदीप जी का कुछ पक्का नहीं? ना। क्या नाम है भाजी आपका? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार हो, किसका मुख्यमंत्री? सरकार केजरीवाल बनेगा, 5 साल और 10 साल उसी ने बिताने, जो अच्छा काम करेगा वो जीतता है। काम अच्छा करे उसने, सारे काम स्कूल में है, तुम्हारे जो भी है हॉस्पिटल वगैरह है, इतना सुविधा कर दी, इतना शायद ही इतने मुख्यमंत्री आए किसी ने नहीं करा आज तक, जो काम केजरीवाल ने कराया है वो काम इस पूरे हिंदुस्तान में जितने मुख्यमंत्री तो बहुत आए, ऐसा काम किसी ने नहीं करा। और ये कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है दिल्ली के दिल में। क्या है भाजी आपका नाम? मुंशी खान जी का हो गया। अभी दोबारा भाजी, क्या नाम है आपका? तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है, क्या कहना चाहते हो बताओ। आपका नाम बताओ। अमेंद्र पाल। किसकी सरकार बनेगी इस बार, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा दिल्ली में? केजरीवाल होगा। केजरीवाल जी दोबारा। क्या नाम है? मनोज। मनोज जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार होगी, किसका मुख्यमंत्री होगा? केजरीवाल से ही है वैसे। केजरीवाल जी दोबारा बने? हाँ जी। संदीप जी जो इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, क्या वापसी हो सकती है उनकी? हो सकती है। केजरीवाल से है ना? कुछ और लोगों से भी जाने। क्या नाम है सर? विजय। विजय जी, क्या लगता है आपको किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? केजरीवाल जी। ठीक है। संदीप जी जो इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, क्या उनकी वापसी हो सकती है, वो चुनाव जीत सकते हैं दोबारा? उम्मीद तो है जीतने की, केजरीवाल की छवि से जीत सकते हैं। केजरीवाल जी अगर किसी और को टिकट दे तो वो जीत सकते हैं? हां जी, वो भी जीत सकते हैं। इस विधानसभा में कांग्रेस या भाजपा का कुछ चांस है जीतने? सर यहाँ से भाजपा को नहीं, केजरीवाल की या बीजेपी की सरकार। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, क्या लगता है आपको किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? वैसे तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और जो आप कह रहे हो विधायक के बारे में, ये विधायक तो वैसे काम करा रहा है, जो पहले का जो विधायक था वो काम नहीं करा रहा था। अच्छा। काम तो वैसे एरिया में हो रहा है, निगम पार्षद भी काम कराने लग रहे, मगर चक्कर ये समय की होगा, बुरा हाल है यहाँ पे। अच्छा। हर जगह जैसे गवर्नमेंट कोई भी काम करते, कोई विकास का काम करते हैं तो समय की अधिक से ज्यादा उखाड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं सरिये औजार और गंदगी फैलाते हैं सबसे ज्यादा समय के। दारू पीते हैं वहाँ, देखो बोतल के पड़ी हुई टॉयलेट के पास में। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सड़क को पार ले कर लेंगे, आवाजाही बहुत ज़्यादा है। कुछ महिलाएं भी हम देख रहे हैं कि सामने खड़ी है, उनसे भी जानेंगे कि क्या है उनकी राय आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। मैडम 2 मिनट दे दीजिए। क्या नाम है आपका?
अरे भैया किस लिए? एक नाम तो बता। सुनीता। सुनीता जी क्या लगता है आपको, किसकी पार्टी होगी, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, भाजपा का, कांग्रेस का या आम आदमी का? आम आदमी का। केजरीवाल जी दोबारा बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। स्थानीय जो विधायक है वो ठीक कार्य कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा दोबारा चांस है उनका? बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी क्या लगता है आपको, किस किस को कौन मुख्यमंत्री? आम आदमी बहुत काम कर रहे हैं वो हमारे लिए, बिजली पानी सब उन्होंने मुफ्त किया रखा है, बिजली पानी मुफ्त किया हुआ उन्होंने। अच्छा होनी भी चाहिए उनकी होनी चाहिए। केजरीवाल जी दोबारा बनेंगे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी आपको क्या लगता है? आम आदमी केजरीवाल जी की बिल्कुल बिल्कुल। स्थानीय जो विधायक है संदीप सिंह क्या सब काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। आइए जो चालक है उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुसीर। मुसीर जी क्या लगता है आपको, केजरीवाल जी बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री? बनने चाहिए जी, वही बनने चाहिए। काम ठीक है? बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने, यही चीज आनी चाहिए केजरीवाल। दोबारा चांस जीतेंगे जी, यही जीतेंगे। कहाँ रहते हैं आई ब्लॉक मंगोलपुर? संदीप सिंह जी, संदीप जो कुमार जो विधायक है स्थानीय, उनका चांस है जी? राखी जीत सकते, राखी बिल्ला वो जीत सकती है। अच्छा मंगोलपुरी से राखी बिल्ला है। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदार भाई भी हैं जो कि एक मेडिकल शॉप चलाते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है भैया आपका? मेरा सचिन कुमार। सचिन कुमार जी क्या लगता है आपको, किसकी सरकार होगी, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा इस बार? इस बार तो हमें मोदी सरकार ही चाहिए। नहीं दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली बेस में तो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आपका एक मानना है कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल? दिल्ली में केजरीवाल और सेंटर में मोदी सरकार। स्थानीय विधायक के बारे में बताएंगे कि कैसा कार्य कर रहे हो? बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चांस है उनका दोबारा जीतने का? हाँ पूरा देखने में जा रहा हूँ, पूरा चांस। और लोगों का क्या नाम है भैया आपका? रिंकू। रिंकू जी क्या लगता है आपको, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? केजरीवाल। केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, है चांस उनका? क्या नाम है आपका? रवि। रवि भैया क्या लगता है आपको, भाजपा, कांग्रेस या फिर आम आदमी? हम तो आम आदमी के साथ हैं, दिल्ली के साथ से। अच्छा कहाँ रहते हैं वैसे आप? मैं तो यही रहता हूँ, जे ब्लॉक में। जे ब्लॉक में क्या लगता है आपको, केजरीवाल दोबारा बन पाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल जी, उन्होंने हमारे लिए, हम गरीब लोगों के लिए बिजली माफ, पानी माफ, और क्या चाहता है, किराएदार भी यही चाहते हैं। सही से और क्या सही बात है, चांस है उनका? बिल्कुल। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या क्या नाम है भैया आपका? बोला भाई केजरीवाल सही काम कर रहे हैं। हाँ दोबारा बन सकते हैं? हाँ चलो, भोला भाई ने तो एग्री कर दिया है। अंदर कुछ दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी राय आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? अनिल मित्तल। अनिल मित्तल जी क्या लगता है आपको, केजरीवाल जी दोबारा बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। भाजपा कांग्रेस का कुछ है चांस? खाता खुल पाएगा कांग्रेस का? कुछ नहीं खुलेगा, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा। सबका सफाया होगा, कौन आएगा जब सबका सफाया ही हो जाएगा? केजरीवाल ही आना भाई, कोई नहीं आएगा। चलिए भैया ने ही बता दिया है, कुछ और लोग भी हैं दुकान में उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोनू जी। सोनू जी क्या लगता है आपको? सर केजरीवाल। केजरीवाल ही कंफर्म है? कंफर्म। किसी और का कोई चांस है? कोई चांस कोई नहीं, कोई चांस नहीं। चलिए भैया ने भी बोल दिया है कि कोई चांस नहीं है किन्हीं का। क्या नाम है भैया आपका? कमल। कमल भैया एक बात बताइए हमको, किसका मुख्यमंत्री होगा इस बार दिल्ली में? केजरीवाल जी दोबारा आएंगे? केजरीवाल जी आएंगे दोबारा। दोबारा आएंगे। चलिए कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल जी दोबारा आएंगे और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। आप देख रहे थे डबल ए न्यूज, समय मौजूद है सुल्तानपुरी विधानसभा में और उनसे जानेंगे कि क्या है दिल्ली के दिल में। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी क्या लगता है आपको, किसकी सरकार होगी, किसका मुख्यमंत्री होगा इस बार दिल्ली? सरकार किसी की भी बने, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कार्य करेगी नहीं करेगी पब्लिक का। हमारे आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक हैं सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी में। हमारी जो बेसिक्स जो जरूरतें हैं, बिजली, पानी, परिवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सबके पर किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा इस बार? मुख्यमंत्री जो पब्लिक डिसाइड करेगी वो मुख्यमंत्री होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या केजरीवाल जी का दोबारा कुछ चांस है? केजरीवाल जी का हमारे यहाँ से तो मुझे लगता नहीं, कि हमारे यहाँ जो लोगों के लिए जो बेसिक सुविधाएं, पानी गंदा आ रहा है, बिजली पे आप सब्सिडी दे रहे हैं,
अब लास्ट में आपने सब्सिडी देना बंद किया है, देना शुरू कर दिया, उससे पहले आपने फिक्स चार्ज लगा रखे थे। केजरीवाल जी का है चांस दोबारा बनने का। चोर लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम भोला है जी। भोला जी, क्या लगता है आपको केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जी बनने का सवाल तो है, क्योंकि इन्होंने कुछ काम सही किए हैं, बन भी सकते हैं। कांग्रेस का खाता खुल पाएगा इस बार भी? अरे कांग्रेस ने तो पूरा लूट लिया, अब क्या खाता खोलना है उनका? न खोलना तो बढ़िया है। केजरीवाल ही दोबारा बन पाएंगे? बन जाए तो बढ़िया है, जो भी कुछ किया। भाजपा का है कुछ चांस? भाजपा भी है, भाजपा भी सही काम कर रहा है। अच्छा, वो भी अपनी जगह पर सही काम कर रहा है। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम गुलफाम है जी। गुलफाम जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में इस बार, किसका मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का, भाजपा का या आम आदमी का? आम आदमी का होना चाहिए केजरीवाल जी। अच्छा, केजरीवाल ने अच्छे काम करे हैं, बिजली पानी सब फ्री चल रहा है। केजरीवाल जी का है चांस? हाँ चांस है। कुछ और लोग भी है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, क्या लगता है आपको किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा इस बार दिल्ली में? इस बार केजरीवाल का होगा, केजरीवाल ने टिकट फ्री कर चुका है महिलाओं के लिए, और तो और उनका काम भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखो चांस उनके भी बन सकते हैं, चांस उनके भी बनेंगे। किनके? बीजेपी के भी। अच्छा। बीजेपी भी काम अपना अच्छा कर रही है, केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहा है। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। एक भैया हमारे पास खड़े हुए मौजूद, उनसे भी बात करते हैं कि क्या है दिल्ली के दिल में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा गौरव नाम है। गौरव जी, क्या लगता है आपको किसका मुख्यमंत्री होगा इस बार दिल्ली में, भाजपा का, कांग्रेस का या फिर आम आदमी पार्टी? सर मुख्यमंत्री पद एक छोटा सी बात पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत बड़ा पद है, तो ये तो सिर्फ जनता ही तय करेगी आने वाले टाइम में हमारे इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे अभी देखा जाए तो अगर हम अपने क्षेत्र की बात करी जाए, हमारे जो जिसमें क्षेत्र से विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ की बात करी जाए तो वहाँ जो आम आदमी पार्टी का जो कद है वो बहुत नीचे आ चुका है। जनता समझ चुकी है, रो चुकी है जनता कि आखिर उन्होंने कुछ नहीं करा है। क्या केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे इस आगामी विधानसभा चुनाव? 70-30% है। भाजपा का या कांग्रेस का कुछ चांस है? 30% बीजेपी कह सकते हो आप, और 70% केजरीवाल। कांग्रेस का है कुछ चांस? कांग्रेस के लिए पिछली बार देखा गया था कि एक भी खाता नहीं खुला था, एक भी सीट नहीं आई थी, इस बार कुछ सीट आने की उम्मीद है? इस बार उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। कुछ और लोग भी, एक अंकल भी मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है अंकल आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी, किसका मुख्यमंत्री होगा? केजरीवाल लगते हैं मेरे को। केजरीवाल जी लगते हैं? केजरीवाल ने हाँ गरीब आदमियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या क्या किया कुछ बता पाएंगे? गरीब आदमी, गरीब आदमियों के लिए पानी फ्री कर दिया उन्होंने, ठीक है, 2000 लीटर, और बिजली 200 यूनिट बिजली कर दी उन्होंने, और ये गली गलियों के अंदर वो दरवाजे भी लग रहे हैं सेफ्टी के लिए। दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि केजरीवाल ही। ये तो आगामी विधानसभा चुनावों में ही पता चलेगा कि दिल्ली के दिलवाले किसको दिल्ली का ताज पहनाएंगे। आप देखते रहिए डबल ए न्यूज़। डबल ए न्यूज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कुलदीप कुमार दिल्ली से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें हमें। मैं कुलदीप कुमार दिल्ली से।